भोर से पहले अमृत राय सवेरे का वक्त है गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेले चार चार के गुच्छों में गंगा तट से लौटकर दशवाश मेघ के तरकारी वालों और मेवा फरोशों से उलझ रहे हैं मोलतोल कर रहे हैं दुकानें सब दुल्हनों की तरह सजी बजी खड़ी हैं। कहीं चाय वाला चाय के शौकीनों को गाढ़े कत्थई रंग की चाय पिला रहा है तो कहीं पान वाला चांदी का वरक लगा बीड़ा और खुशबूदार जरदा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है एक जगह बंगला अखबारों वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक लगा रहा है सबके चेहरे पर सबके कपड़ों में सबकी बोली में अजब एक ताजगी सी है सुनहरी धूप फैल गई है जो इस बसंती मौसम में एक खास रंग भर रही है जो कि तंदुरुस्ती का रंग है जिसमें सी एन डे का अंग्रेजी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेद औषधालय इस समय इंदु भूषण को अच्छे नहीं मालूम पड़ते लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंदुभूषण को यह समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिजा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है वो हर वक्त नहीं रहती वो तो घंटे दो घंटे की बाहर है और उसके बाद तो फिर जहां जिंदगी की और सभी खटर पटर है वहां हारी बीमारी भी है इंदुभूषण को बगल से एक आवाज सुनाई दी कहिए महाशय जी इंदुभूषण को इसका जरा भी गुमान नहीं था कि यह वाक्य उसी पर फेंका गया है लिहाजा वो अपने विचारों के प्रवाह में अपनी उसी धीमी चाल से आगे घाट की ओर बढ़ता रहा इंदुभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देखकर वो काफी गठी हुई सी मगर अब झूली झूली मांसपेशियों का अधेड़ ठिगना सा गंदमी रंग का आदमी एक हाथ में कुछ साग और बैंगन वगैरह एक छोटे झोले में और दूसरे हाथ में एक डेढ़ पाव आधा शेर का रोहू का बच्चा लिए सामने आ खड़ा हुआ बोलिए ना कैसा है आप हम आपको आवाज दिया आप सुना नहीं इंदुभूषण ने उसे पहचाना नहीं उस व्यक्ति का हुलिया खासकर उसकी बाईं आंख की फुल्ली से इंदुभूषण को यह चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा बस इतना ही कि हां ये शक्ल कहीं देखी है मगर कब और कहां यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता था इसी विस्मृति की रेखा को पढ़कर उस व्यक्ति ने इंदुभूषण के कुछ भी कहने से पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी जेब मिटाते हुए कहा अरे आप हमको पहचाना नहीं हम आपका पड़ोसी आपका टोला में हमारा भी बाड़ी अब इंदुभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गईं। अभी उस रोज यही बंगाली बाबू तो उस छोर वाले मकान में आए हैं अभी सात दिन भी न हुए होंगे ये और इनकी तीन लड़कियां हां याद आ गया बंगाली बाबू माफ करना जरा देर लगी पहले कभी भेंट नहीं हुई थी ना इसी से कहिए घर में अच्छी तरह जम तो गए आप घर अच्छा है ना बाहर से तो अच्छा लगता है एक रकम भालो बाड़ी हम लोग का परिवार भारूम ही हाए आपके साथ बस आपकी तीन कन्याएं हैं शायद। उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया और अगल बगल देखकर कहा हां मशाई और कोई नहीं दूसरा नहीं मशाई आपका नाम जी इंदु भूषण और आपका बेनी माधव बोस फिर जरा देर के बाद बंगाली बाबू बोले हम सोचा आप हमारा पड़ोसी आपसे हमारा आलाप नहीं होने से नहीं चलेगा आप बुरा तो नहीं मान गया दुबला पतला गोरा सा हिंदू अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है जब उसे ऐसे किसी साथी की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कसम साहट को बांट सके शायद इसीलिए बेनी माधव से मिलकर उसे मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई आते जाते उसने दो तीन बार उन लड़कियों को खिड़की में खड़े देखा था इतवार का दिन था सवेरे का वक्त वो घर के सामने सहन में डेक चेयर डालकर लेटा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था अभी अभी उसने एक कहानी खत्म की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा सूनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था कहानी की नायिका ने संखिया खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंख के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी के आखिरी शब्द बज रहे थे मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूं इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने संखिया क्यों खाई संखिया खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह थी वो क्यों मरी उसने क्यों नहीं कहा कि मैं ऐसे समाज को लात मारती हूं साहस संखिया खाने का साहस था उसका मन नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भर रहा था विफल आक्रोश इसलिए कि खुद उसके मन में ये कहीं पर चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना कितना आसान है पर लात मारना वो उतना आसान नहीं अभी वो इसी कश्म में था कि बेनी माधव बाबू फाटक में दाखिल हुए वही धोती मैली सी पूरी बाह की कमीज पहने जो कभी सफेद रही होगी किसी नए घर में पहले पहल दाखिल होते समय जो झिझक आदमी को होती है वही झिझक बेनी माधव बाबू को भी हो रही थी फाटक खोलकर वो अंदर दाखिल हुए और आगे बढ़ने के पहले अपने इर्द गिर्द चौकन्ने खरे की तरह देख रहे थे कि इंदु भूषण ने उठकर उनका स्वागत किया आइए बंगाली बाबू आज इधर कैसे भूल पड़े बंगाली बाबू ने वहीं से कहा धन्यवाद धन्यवाद आप ठीक तो हैं इंदु का स्वस्थ ताजा चेहरा बेनी माधव बाबू के इस सिरे शिष्टाचार वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब था उन्हें कुर्सी देते हुए इंदु ने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं आप अलबत्ता कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं बेनी माधव बाबू ने कहा आपने तो जाने बाबू आप तो जानता हमारी जिंदगी जो बात हमारी सहानुभूति उभारने के लिए ही कही गई हो उसे सुनकर सहानुभूति के दो शब्द न कहना मुश्किल होता है इंदु ने कहा जी सचमुच बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी आपकी बड़ी लड़की की उम्र क्या होगी बंगाली बाबू माधव इस सवाल का आशय कुछ खास समझे नहीं लेकिन इतना जरूर उनके मन में कौंधे की तरह चमक गया कि इस आदमी से आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए बेनी माधव बाबू ने अगल बगल देखकर दबे स्वर में कहा जैसे कोई गोपनीय बात कह रहे हों। जिस लड़की की बात आप कह रहा है इंदु बाबू उसका उम्र 20 साल है उसका नाम माधवी है उससे छोटा जो लड़की है उसका नाम पुतुल है उसका उम्र 18 साल है और हाशी वो तो अभी बच्चा है कहकर वो छेप मिटाने जैसी हंसी हंसा एक विचित्र खोखली हंसी इंदु को इतने तफसीली जवाब की उम्मीद नहीं थी वो तो यूं ही उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया था यह समझकर कि शायद सयानी लड़की की शादी की चिंता में बंगाली बाबू घुले जा रहे हो और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष ही खोलकर बैठ गए इंदु को उस चीज से कुछ उलझन हुई मगर उसने कुछ कहा नहीं थोड़ी देर चुप बैठा उन्हें देखता रहा फिर बोला अच्छा बंगाली बाबू अब आज्ञा दीजिए मुझे एक जगह जाना है और कुर्सी पीछे को सरकाई इंदु को उठता देख कर अब बंगाली बाबू को उलझन हुई अभी तो बात का सिलसिला ठीक से जम भी नहीं पाया था और यह आदमी उठकर चला जा रहा है काम की बात तो अभी हुई ही नहीं और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंसे रहे हो उनके मुंह तक आ आ करके काम की बात रुक जाती थी अपनी लड़कियों की चर्चा निकालने में भी उनका मकसद यही था कि ये जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा था उसे पानी के सहारे नीचे उतार दें इतने में ही इंदु कुर्सी से उठ गया उसकी देखा देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से उठ तो गए मगर इंदु की नजर बचाते हुए दूसरी ही किसी तरफ देखते हुए खड़े रहे इंदु समझ गया कि बंगाली बाबू मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे इंदु ने उन्हें सहारा देने की गरज से कहा मेरे योग्य कोई और सेवा बंगाली बाबू डूबते को तिनके का सहारा मिला कभी कभी बात को बगैर घुमाए फिराए सीधे सीधे कह देना ही कुल मिलाकर आसान पड़ता है कुछ यही सोचकर बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे हुए स्वर में कहा आप हमको दस रुपया देने सकेगा आपके रुपया हम एक सप्ताह कि पेनेरों में दिन में फेरोत दे देगा आज हमारा भीषण तागी इंदु ने कुछ नहीं कहा अंदर से दस रुपए का एक नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथ में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया उसको इस ख्याल से ही घुटन होती थी कि ये आदमी जो गरज का मारा मेरे पास आया है इस दस रुपट्टी को पाकर मेरे सामने खीसे निपोरेगा लेकिन अंदर जाकर इंदु तत्काल फिर बाहर आया वो चलते चलते बंगाली बाबू से कहना चाहता था कि वे अपनी लड़कियों को इस बात के लिए रोक दें कि खिड़की में बहुत न खड़ी रहा करें क्योंकि शहरों में तो फिर आप जानते ही हैं उसके बाहर आने तक बेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे उसने उन्हें पुकारना ठीक नहीं समझा सोचा फिर कभी कह दूंगा कई दिन बीत गए गोधुली का समय था इंदू कॉलेज से लौट रहा था आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई थी उसका घर पक्की डामर की सड़क से कोई डेढ़ सौ गज भीतर को हटकर है जहां डामर की सड़क छोड़कर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं ठीक वहीं बेनी माधव वाला पीला मकान है पुतुल दरवाजे पर ही खड़ी थी पुतुल ने उन्हें आवाज दी इंदु बाबू इंदु कुछ झिझकते हुए उसके पास गया पुतुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा इंदु बाबू आप कभी हमारे घर नहीं आते इंदु ने अपने मन में कहा लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया है यह बात उसे अच्छी भी लगी इंदु ने कहा जी मौके की बात होती है वैसे मैं आने की कई दिन से सोच रहा था और मुस्कुराया इंदु की मुस्कुराहट से पुतुल के दिल में एक धक्का सा लगा वो बोली आइए इंदु ने कहा अभी नहीं घर पर लोग बाट देख रहे होंगे हो सका तो एक डेढ़ घंटे बाद आऊंगा पुतुल ने उसी अंदाज से कहा जरूर आइएगा और फिर मुस्कुराई इंदु वहां से चला तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा साइबान था जो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था उसमें एक टूटी कुर्सी एक कोने में पड़ी थी वहां बेनी माधव बाबू को न पाकर इंदु को आगे और बढ़ने में झिझक मालूम हुई साहिबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी थी जिसमें लाल लाल रोशनी निकल रही थी लोहे का एक जंगला आंगन की छत थी एक अलगनी पर तीन चार कपड़े सूख रहे थे एक लाल पाट की साड़ी दो पेटीकोट दो तीन बॉडिस इंदु की हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज दी बंगाली बाबू हैं माधवी नीचे ही थी इंदु की आवाज सुनकर बोली आइए इंदु बाबू इंदु ने पूछा बेनी माधव बाबू नहीं है माधवी ने कहा कहीं गए हैं अभी लौट आएंगे आप ऊपर चलिए और पुतुल को आवाज दी पुतुल तुमार इंदु बाबू ऐसे चैन आंगन की बातचीत सुनकर पुतुल खुद ही नीचे आ रही थी बोली चलिए इंदु बाबू इंदु ने मुस्कुराहट से उसका जवाब दिया और फिर कहा अच्छा मैं फिर किसी रोज आऊंगा और चलने को हुआ लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू बाबा आते ही होंगे इंदु के पैर अब भी आगे नहीं बढ़े पुतुल ने रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा आप इतना डरते क्यों है इंदु बाबू आप तो पुरुष मानुष है और हम तो लड़की आप क्यों डरता और एक प्रकार से उन्हें खींचते हुए ऊपर ले गई बाई बगल से ही जीना था संकरा सा ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल दो कोठरियां हैं दोनों में एक एक खाट पड़ी है और दोनों में एक एक ढिबरी जल रही है पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर की शल दूर की और इंदु की ओर ताकते हुए कहा आइए ना इंदु बाबू डरने का कोई बात नहीं है आप यहाँ बैठिए बाबा अभी आएगा थोड़ा उपेक्षा करना होगा इंदु का मन बार बार हो रहा था कि उतर भाग जाए लेकिन पैर जैसे बंद से गए थे जाकर पुतुल के बिस्तर पर वो बैठ गया उसका दिल जोरों से धड़क रहा था पुतुल ने ढिबरी स्टूल पर से हटाकर ताक पर रख दी और स्टूल वहीं पास में खींचकर बैठ गई एक डेढ़ मिनट तक पूर्ण नी स्तब्धता रही फिर उसे भंग किया पुतुल ने इंदु बाबू आप बहुत बुरे हैं और वो मुस्कुराई इंदु का दिल जोर से धड़कने लगा उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सिकुड़ा सिमुटा बैठा रहा फिर चंद लम्हों की खामोशी छा गई आपका ब्याह हुआ है इंदु बाबू इस बेतुके सवाल का संदर्भ उसकी समझ में नहीं आया लेकिन इसका जवाब आसान था शायद इसी ख्याल से उसने कहा नहीं पुतुल ने उसके जवाब में कहा च्ञल 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 और मुस्कुरा दी इंदु ने अपने मन में कहा जरा इसे देखो तो कैसे कह रही है मुझे निरा मिट्टी का लौंदा समझ लिया है इसने क्या कैसी अजीब लड़की है और एक बार को तो उसका जोर से जी किया कि इस लड़की को जो अभी इतनी जवान है और जो सिर्फ उसे सताने के लिए उसकी बगल में बैठकर इस तरह मुस्कुरा रही है उठाकर इसी बिस्तरे पर पटक दे और और उसे किसी ऐसी जगह पर हबोक कर काट ले कि खून निकल आए मगर उसने जब्त किया अब तक सारी परिस्थिति कुछ कुछ उसकी पकड़ में आने लगी थी और एक अजीब सी खिन्नता उसके मन में भर रही थी इसी तरह कुछ दस मिनट गुजर गए तब तक बगल की कोठरी से किसी पुरुष की भनक इंदु के कान में पड़ी उसने पुतुल से कहा देखिए बेनी माधव बाबू शायद आ गए पुतुल ने इस बार एक भिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा नहीं इंदु बाबू वो तो माधवी का दोस्त है नलिन एक, एक इंदु बिस्तर से उठ खड़ा हुआ पुतुल भी उठ खड़ी हुई उसके चेहरे पर न जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी जाइएगा चले पुतुल ने मना करने के अंदाज में कहा और अपने जलते हुए होठ इंदु के होठ पर रख दिए यह सब एक बिजली की तरह हुआ इंदु एकदम बौखला गया मगर तो भी उसे लगा जैसे किसी ने उसके होठों पर अंगारा रख दिया हो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और नथुने फड़कने लगे उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें झकझोरते हुए भारी करख्त आवाज में चिल्लाकर कहा हां दिए थे दिए थे इसी के लिए दिए थे तुम उसे चुपता करोगी तुम चुपता करोगी उसे कहते हुए उसने जोर से उसे धक्का दिया पुतुल जाकर सीधी खाट की पाटी पर गिरी इंदु ने ढिबरी लेकर जमीन पर पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपोटे से बंद करते हुए तेजी से कमरे के बाहर चला गया झपाटे से दरवाजे का बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकल आई इंदु चला जा रहा था और पुतुल पार्टी से लगी लगी सिसक रही थी उसके शरीर को भी चोट लगी थी लेकिन उससे कहीं ज्यादा और असल चोट उसके मन को लगी थी और वो चोट सिर्फ इतनी नहीं थी कि इंदु ने उसका अपमान किया है माधवी ने पुतुल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा पागल हो गई है पुतुल वो चला गया जानवर उज्जड़ गंवार पुतुल को माधवी की संवेदना के ये शब्द जहर जैसे लगे उसने आंखें उठाकर एक मिनट अपलक देखा और आदेश के स्वर में कहा दीदी तुम यहां से चली जाओ माधवी ने पुतुल की रोती हुई मगर कठोर आंखें देखी और जरा देर को ठिठक गई फिर कहा यह कैसा अजीब पागलपन है इंदू के लिए एक बड़े कुत्सित शब्द का प्रयोग किया पुतुल की आंखों में सान पर चढ़ी हुई कटार की सी चमक आई और उसने नागिन की तरह कर किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ माधवी जरा इस बचपन को तो देखो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और पुतुल वैसे ही पार्टी पकड़े रोती रही कई दिन गुजर गए माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी बात यह थी कि माधवी से भी ज्यादा पुतुल के ही सहारे इस मकान की ईंट टिकी हुई थी और वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो रही थी माधवी को यह बात बुरी लगती थी और उसने एक दो बार पुतुल को समझाने की कोशिश भी की लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से ही चिड़ हो गई थी हर बार जब माधवी उसे कुछ कहने की कोशिश करती दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती यहां तक कि एक रोज माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा था हां हां बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे इंदु बाबू जैसे देखिच न पुंसक बड़ा ज्ञान देने चला है ढोंगी इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखों से माधवी को देखा कि वो एक बार को डर गई पुतुल ने दांत पीस कर कहा चुप माधवी माधवी को पुतुल का स्वर सांप की फुंपकार सा मालूम पड़ा माधवी का दिल भी कोई कड़वी जहरीली कांटे की तरह चुभने वाली बात कहने के लिए तिलमिला रहा था उसने बड़े सादे अंदाज में लेकिन अपनी बात में जहर भर कर कहा अच्छा तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और आपके सत्यवान ओ ही ओनी वो हां जरूर जरूर और बुरा भी क्या है और ही ही करके हंसी उस हंसी से पुतुल के रोंगटे खड़े हो गए और वो रो पड़ी माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा था पुतुल रोती रोती भागकर अपनी कोठरी में गई और उसे अंदर से बंद करके अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और वैसे ही पड़ी न जाने कब तक उस मैली चादर को भिगोती रही माधवी ने विद्रूप से जिस उन्हीं शब्द का प्रयोग इंदु बाबू के लिए किया था वही उन्हीं असंख्य आकाश जुगनुओं की तरह उसके मन के आकाश में उड़ रहा था जल रहा था और बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था पर उससे रोशनी बिल्कुल नहीं हो रही थी उतनी भी नहीं जितनी की ताक में रखी हुई शीशे वाली ढिबरी से जिसे इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था और जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगाकर रख दिया था निराशा की उस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के फूलों की तरह सुंदर दिखते थे लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता पुतुल ने उठकर ढिबरी को भी बुझा दिया और फिर पड़ रही वो जितना ही इसके बारे में सोचती उतना ही उसे अपनी जिंदगी एक दलदल की मानिंद नजर आती सन सैतालीस के उस बड़े अकाल के बाद उसके मां बाप दोनों नहीं रहे और रिश्ते के इन मामा ने आकर उसकी सरपरस्ती अख्तियार की थी तभी से यह दलदल शुरू हुआ और इस ढाई साल में लगातार गहरा ही होता गया और अब अब क्या अब कुछ नहीं हो सकता और अंजान में ही एक सर्द आह उसके मुंह से निकल गई मेरे जोर लगाने से क्या होगा मैं जोर लगा भी सकूंगी कहां है मेरे पास जोर नहीं नहीं कुछ नहीं है यह घर ही भूतहा है खून चूस लेता है मेरा कुछ नहीं हो सकता में अब कुछ नहीं रहा मुझे अब कोई कुएं से निकाल ही नहीं सकता ये ख्याल आते ही उसे इंदू पर बेहद गुस्सा आया जिसने उसके अंदर ये जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति छीन ली थी उसके आने के पहले जिंदगी जैसी भी थी बगैर किसी बखेड़े के चल तो रही थी अब ना तो उसे अपने छुटकारे का कोई रास्ता दिखाई देता था न ही माधवी की तरह इस घटना को अपने ऊपर से वैसे वो झाड़ ही पाती थी जैसे बतख अपने पंखों पर से पानी झाड़ देती है दो रोज उसने परिस्थिति से पूरा असहयोग किया लेकिन फिर घर के वातावरण ने घर की असली कुआं खोद और पानी पी वाली हालत ने खुद उसके ढाई साल के जीवन की दैनंदिनी अभ्यास ने जो कि अब उसके खून का हिस्सा बन गया था उसके ऊपर जीत पाई और वो फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट आई उसके अंदर कुछ कड़ियां टूटी जरूर थीं, लेकिन नतीजे पर तत्काल उनका कोई खास असर नहीं था पुतुल के मन पर यह चीज सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई कि वो दलदल में फंस चुकी है और अब उससे बाहर आने के लिए वो जितना भी हाथ पैर मारेगी उतना उसके भीतर और समा जाएगी ज़ाहिरा वो माधवी से पूरे पेचोताप से लड़ रही थी लेकिन असलियत में वो अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी पुतुल के पास से लौट उस रात इंदु को बड़ी देर तक नींद नहीं आई रह रहकर उसे पेट में दर्द मालूम होता था एक अजीब सी तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला था उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ गया था सही लेकिन अब तो ज्वार उतर चुका था और उसे अब यह ख्याल सता रहा था कि मुझे लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है बड़े पारसा बनने चले हो सबको अच्छा खाने को मिले और अच्छी तरह रहने को मिले और मन माफिक कपड़े पहनने को मिले तब सभी ऐसे पारसा हो सकते हैं मगर इसके बाद भी शरीर बेचना उसके नजदीक एक ऐसा गंदा काम था जिसके लिए वो पुतुल को माधवी को या बंगाली बाबू को माफ नहीं कर सकता था और वो बड़ी कोशिश करने पर भी दो बजे तक सो नहीं पाया उसके मन ने जो एक मूर्ति अपनी गढ़नी शुरू की ही थी उसे हकीकत के पहले ही बेदर्द हथोड़े ने तोड़कर जमीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया था एक हल्की सी गुदगुदी जो थी उसे किसी ने चाकू मार दिया एक कली जो अभी सिर्फ कली थी जिसमें अभी गंध न थी उसे किसी ने चुटकी में लेकर मसल दिया इंदु को रह रह कर लगता था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है उस दिन से इंदु ने उधर से निकलना छोड़ दिया उसने अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया था जो कुछ लंबा जरूर पड़ता था लेकिन इंदु को पसंद था अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उस पर बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगी या पुकार लेगी या बेनी माधव बाबू भटकते हुए सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे शे, आप उस दिन आया था था हम बाड़ी में नहीं धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया और इस बीच इंदु के दिल का घाव भी अब वैसा हरा न रहा और क्षोभ तो बिल्कुल ही मिट गया उन लोगों के लिए इंदु के मन में अब केवल करुणा थी लेकिन फिर उनके सामने जाने का साहस उसके अंदर न था रात के आठ बजे होंगे वो अपने कमरे में बैठा पड़ रहा था किसी ने दरवाजे पर हल्के से जैसे डरते डरते दस्तक दी इंदु ने दरवाजा खोला पुतुल सामने खड़ी थी पुतुल इंदु ठिठक गया वो पुतुल की निगाहों से अपने आप को ऐसे बचा रहा था जैसे कोई अपने किसी जख्म को रगड़ लगने से बचाए पुतुल ने मुस्कुराकर कहा नमस्कार इंदु बाबू इंदु ने उसके नमस्कार का उत्तर देते हुए कहा कि आज पुतुल की मुस्कुराहट में एक नया सा कुछ कातर सा भाव है विद्रूप की तो बात ही अलग है उसमें चपलता भी नहीं पुतुल ने कहा इंदु बाबू मैं आपसे माफी मांगने आई हूं इंदु ने कहा माफी मुझसे किस बात की पुतुल ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा नहीं इंदु बाबू ऐसा न कहिए मैंने खूब सोचा है आपने ठीक किया था इंदु ने कहा उस बात को मत छेड़ो मैं स्वयं पुतुल ने बात काटते हुए कहा कैसे नहीं इंदु बाबू मैं कैसे भूल जाऊं फिर तीन चार मिनट तक कोई नहीं बोला पुतुल ने ही उस मौन को तोड़ा आप मुझे एक भीख देंगे इंदु बाबू इंदु की समझ में कुछ नहीं आया वो एक और को नजर फेरे चुपचाप बैठा रहा अपनी जगह पर उसे डर भी लग रहा था कि घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े आप मेरी हाशी को बचा लीजिए मेरी हाशी को बचा लीजिए इंदु बाबू आप ही उसे बचा सकते हैं वो अभी बच्ची है अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है उसे नरक कुंड से निकाल दीजिए इंदु बाबू पुतुल ऐसी जल्दी जल्दी बोल रही थी जैसे कोई बीच में उसका गला घोंट देगा बात खत्म करते करते पुतुल की आंखों में से झरझर झरझर आंसू बहने लगे इंदु का मन भी आर्द्र हो आया और एक बार बड़े जोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर उसके बकुल सुगंधित बालों में हाथ फेरे और पुचकार कर कहे चुप रोते नहीं पगली लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे लो ये पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो डालो घबराओ मत सब ठीक होगा हाशी जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन ये सारे शब्द उसके अंतस में बने और वो पुतल की ओर एक दग बढ़ा भी मगर रुक गया झाड़िया चट्टाने संस्कार इंदु का मुंह न खुला उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था मगर हाय वो सहारा न आया न आया न आया उन दो चार क्षणों में पंचांग ने न जाने कितनी शताब्दियां पलट डाली और आखिरकार पुतुल ने रोते रोते ही दरवाजे की ओर जाते हुए बुझती हुई दीप शिखा की तरह भभक कर बोला जाने दीजिए इंदु बाबू भूल जाइए कि मैं कभी आई थी इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा और पुतुल जिस अंधेरे से आई थी उसी अंधेरे में लौट गई इन दस बरसों में मेरी जिंदगी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं मगर आज भी पुतुल मेरे दिल में रह रहकर चिलक उठती है क्योंकि आज आज मैं आपको बतलाता हूं कि वो कमजोर नपुंसक इंदु मैं ही हूं